तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टूडियो में जाने कि यूपीआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूपीआई को हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के भी नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिससे हम चुटकियों भर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ हम करते कैसे हैं। तो जब किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि जो भी हमारा अकाउंट है जिस बैंक में, उस बैंक में यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। अगर उस बैंक में यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है तो आप किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन का यूज़ आसानी से कर पाएंगे। और अगर आप यूपीआई का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि एक यूपीआई आईडी होना जरूरी है। और जो यूपीआई आईडी होता है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, मतलब कि इसमें हम जब भी पैसे ट्रांसफर करेंगे तो इसमें हमें ना ही अकाउंट नंबर और ना ही आईएफएससी कोड बार बार डालने की जरूरत पड़ती है। बस यूपीआई आईडी डालेंगे, उसी से हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी हम गूगल पे या फोन पे किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं तो बीच में वो फंस जाता है या फिर वो बाद में कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, यूपीआई पेमेंट में कभी कभी सर्वर की कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से हमारा पेमेंट कभी कभी पेंडिंग में चला जाता है या तुरंत कैंसिल हो जाता है। तो आप जान लेते हैं कि अगर हमें पेमेंट करना जरूरी रहे और यूपीआई सर्वर काम ना करे तो किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। तो आपको करना है कि यूपीआई आईडी, मतलब कि जो यूपीआई आईडी होता है वो आप दो यूपीआई आईडी या तीन यूपीआई आईडी बना सकते हैं। उस टाइम पे आप दूसरे बैंक अकाउंट से एक नया यूपीआई आईडी जनरेट करें और उससे अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और कार से आपको ऑफिस जाना है। तो ऑफिस जाने के लिए चार रास्ते हैं, तो चारों में से आपका अगर एक रास्ता ब्लॉक है तो आपके पास तीन रास्ते खुले रहते हैं जिससे आप अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। अगर आपका यूपीआई आईडी काम न करे तो आप इसी तरीके से एक न्यू यूपीआई आईडी जनरेट कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि आप अपने एक बैंक अकाउंट में चार यूपीआई आईडी तक बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।